तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर आपने इस यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ कहीं से भी आप हमें देख रहे हैं, आप सबको दिल के गहराइयों से वेलकम करता हूँ। हम सब के ज़िंदगियों में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। एक बचपन की यादें और दूसरी स्कूल की पिकनिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक की तरफ जा रहे हैं। आज के इस वीलॉग में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। आज के इस वीलॉग में मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे यादगार लम्हात से आपको आगाह करने वाला हूं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। आज के इस वीलॉग में मैं आपको एक ऐसे कुदरत के शाहकार, एक ऐसे खूबसूरत इलाके के सैर कराने जा रहा हूँ, जो हर लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आज के इस वीलॉग में मैं आपको 7 ऐसे लेक्स दिखाने वाला हूँ, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। हर लेक अपने अंदर एक जज्बत रखती है, हर लेक अपने अंदर एक खूबसूरत मंज़र रखता है। इसके साथ साथ मैं आपको कुदरती जंगलात भी दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको वाटरफॉल्स यानी आबिशार भी दिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ अगर आप भी अपने ज़िंदगी में स्कूल पिकनिक के यादें रखते हैं या आप यादें रखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ रहिए। इस वीलॉग में आपको मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चले आज के इस दिन का आगाज़ करते हैं। आज के इस वीलॉग को हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। 6 हिस्सों में आपको मुख्तलिफ एपिसोड की शक्ल में आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। तो अभी हमने अपने दिन का आगाज़ किया है। इंशाल्लाह आपको वॉइस आ रहा होगा, बैकग्राउंड में बहुत सारे बच्चे शोर कर रहे हैं। आज के इस वीलॉग में आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चले आज के इस दिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज द स्काई एकेडमी फैज़ाबाद कैंपस गिलगित का जो है स्टडी टूर है, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक के स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस टूर का बेसिक पर्पस ये है कि नेचर को एक्सप्लोर करना, स्पेशली जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ब्यूटी मौजूद है, वन ऑफ़ द बेस्ट एंड वन ऑफ़ द फेमस प्लेस इन गिलगित बल्तिस्तान नलतर, और फिर उसमें आपकी सतरंगी झील है, व्यू पॉइंट है, आपका स्की पॉइंट है, और साथ में आपके छोटे मोटे बहुत सारे और भी जो है आपके यहाँ पे ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं और लेक्स भी मौजूद हैं। तो इस ब्यूटी को एक्सप्लोर करेंगे और स्टूडेंट्स के अंदर ये एबिलिटी आएगी इस टूर के बाद कि हाउ टू ट्रैक अ प्लेस विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है। तो आज ये सिखाया जाएगा बच्चों को कि इस ट्रैक के अंदर हम चूँकि ट्रैकिंग भी कर रहे हैं व्यू पॉइंट से नलतर झील तक, और आप जो है वो आप रास्ते में जो है वो आपको व्लॉग्स आपको नज़र आएंगे बीच बीच में, और गिलगित बल्तिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर करना, दुनिया को ब्यूटी दिखाना, और साथ में चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग ऑर्गेनिक लोग हैं, नेचुरल लोग हैं और नेचर लविंग लोग हैं, तो ये लोगों को बताना कि गिलगित बल्तिस्तान आएँ, पीसफुल प्लेस है, यहाँ विजिट्स करें, यहाँ पे कैंपिंग्स करें, यहाँ पे स्टे करें, यहाँ पे डाइन करें, तो बहुत खूबसूरत जगह है। आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस, ऑल द लिसनर्स ऑफ दिस चैनल दैट प्लीज़ मस्ट विजिट नलतर प्लेस, नलतर वैली, स्पेशली द 7 कलर लेक विच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेक्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। थैंक यू। अभी मैं स्कूल के अंदर ही हूँ। अभी इंशाल्लाह हम अपने ट्रैवलिंग का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अपने अभी इस वीलो का आगाज़, इस ट्रैवलिंग जर्नी का आगाज़ अभी हमने अपने स्कूल से करना है। अभी हमने स्कूल से हमारे तैयार मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम निकल रहे हैं। अभी मैं बाहर जाऊँगा, आपको कुछ मनाज़र दिखाऊँगा। अभी हमारे गाड़ियाँ तैयार है, इंशाल्लाह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों रेडी है, तो अभी इंशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी हमारे दोस्तों ने गाड़ियाँ रेडी की हुई है। हमारे गाड़ी नंबर 1 ये है, और गाड़ी नंबर 2 ये है, और गाड़ी नंबर 3 ये है। अभी बाकायदा हम इन गाड़ियों में अपने स्टूडेंट को बिठाएंगे, और अभी बाकायदा इसके बाद हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। आज इस जर्नी में आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, आप जुटे रहिए, आप स्किप ना करें, तो बहुत कुछ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे। कुछ आज हमारे जो कारोबारी हजरात हैं इनकी भी मौजें लगी हुई है, क्योंकि आज सफ़र के वक्त बहुत सारे बच्चे ट्रेवलिंग करते हैं। जी दोस्त बताइए। वालेकुम, क्या ले आजिब भाई, ठीक हो? क्या है, कोई कारोबार है आज आपके लिए? नहीं है कारोबार का, शुक्र गुजारा चल रहा। क्या है, बच्चे आपसे परचेजिंग कर रहे हैं? बस उन लोगों ने तो किया है,
जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर स्टूडेंट बहुत सारे परचेजिंग करते हैं, तो क्या है आपको डेली की रूटीन के मुताबिक क्या है आज, अच्छी है ज़्यादा है कम है क्या है? बस अच्छी है। चलो ठीक है, शुक्रिया दोस्त। अभी ये इधर देखिए, हमारे कुछ दोस्त लगे हुए हैं, हमारा अजमत साहब बड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जी सर लगे हुए हैं, बस इतने लगे हुए हैं सर जी, तो हम पिकनिक के लिए तैयार हुए हैं। आपके हाथ में क्या पंपलेट है सर, ये क्या लगाना चाह रहे हैं आप? ये हम हाउस सिस्टम का जो पंपलेट है वही लगा रहे हैं। अच्छा, हर हाउस का गाड़ी होगा? हाउस का एक गाइड। चलो ठीक है सर, शुक्रिया। जैसे हमारे पास तीन हाउस आए हैं, इकबाल हाउस, अकबाल हाउस, रूमी हाउस और मुतहरी हाउस। मुतहरी हाउस, शुक्रिया सर। ये तीनों। अच्छा ठीक है सर, तैयारियाँ हैं? शुरू सर, ठीक ठाक। अमन है, रेडी हो? बस रेडी है, आज मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है सर। मेरी ज़िंदगी का पहला पिकनिक है, मैं अपने स्कूल वालों के साथ पिकनिक को जा रहा हूँ। मैं पहले से ही सोच रहा था कि मैं अपने स्कूल के साथ पिकनिक में जाऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मैं नलतर कभी नहीं गया, इसलिए मैं नलतर को घूमकर बहुत एक्सेस हो रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अभी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पर। तो जी दोस्तों, अभी तकरीबन हम बच्चों को बिठा रहे हैं, अभी बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद इंशाल्लाह अभी हम रवाना होंगे। अभी तकरीबन 7 बज चुके हैं, अभी उसके बाद इंशाल्लाह अभी रवाना। अभी हमने बाकायदा अपने स्टडी टूर का आगाज़ किया है, बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे आवाज़ें आ रहे होंगे कि अभी बच्चे बैठ रहे हैं। इंशाल्लाह अभी 10 या 15 मिनट हम अपना जर्नी का बाकायदा आगाज़ करेंगे, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखे हमारे असातिज़ा तकरीबन हमारे तैयारियाँ मुकम्मल हो चुके हैं, अभी थोड़ा टाइम बाद हम बाकायदा अपनी ट्रेवलिंग का आगाज़ करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है, ऐसे लम्हा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, तो लिहाजा बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसके साथ हमारे टीचर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि साल भर के स्टडी के बाद एक दिन बच्चों को ऐसे मिलता है जिसमें वो खुल के घूम फिर सकते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और आज हमारा ट्रैकिंग का भी प्लान है, तो जहाँ अगर आप यूँ कहें सोने पर सुहागा है, चूँकि पिकनिक तो पिकनिक है, वहाँ पर झीलें भी देखेंगे, वहाँ पर आबिशास भी देखेंगे, इसके साथ साथ कैरिमिडोन भी है। इसके अलावा आप वहाँ पर ट्रैकिंग हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इन लम्हात का बड़ी शिद्दत के साथ स्टूडेंट और बच्चे दोनों को इंतज़ार होते हैं, तो लिहाजा वो वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह भी हम बाकायदा अपने ट्रैवलिंग का आगाज़ करेंगे। क्या फीलिंग है आज, स्टडी टूर का प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत अच्छा फील हो रहा है, इंशाल्लाह हम नेचर को इंजॉय कर लेंगे, ग्रीनरी, ग्लेशियर, साफ पानी, तो हम फुल नेचर को एंजॉय करके आएंगे। सर आज अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, क्या फीलिंग है, क्या करने का आज मोड़ है? जी बस एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, नेचर को एंजॉय कर लेंगे, और जो जहनी सुकून होता है, ठीक है ना, वो हासिल करेंगे नेचर को देखते हुए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत एंजॉय करने का मोड़ है आज, तो कभी नहीं किया, मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत इलाका है, तो इसलिए आज देखने जा रहा हूँ। हाँ जी सर, बच्चों को लेके जा रहे हैं साल भर पढ़ाई के बाद आज? जी बच्चों के लिए साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ, तो इसलिए इंजॉयमेंट करके इंसान वो लोग फ्रेश होकर दोबारा के अपने पढ़ाई पर सही तवज्जो। हाँ मतलब इसके बाद आप पूरा साल भर तैयार होंगे? जी इंशाल्लाह, इसके बाद साल भर बच्चों को सही पढ़ाई की तरफ। तो जी दोस्तों, अभी तकरीबन हम बच्चों को बिठा रहे हैं, अभी बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद इंशाल्लाह भी हम रवाना होंगे। अभी तकरीबन 7 बज चुके हैं, अभी उसके बाद इंशाल्लाह भी रवाना। अच्छा मैं अभी बच्चे गाड़ियों में बैठे हैं, यहाँ के मंजर को दिखाने वाला हूँ कि बच्चे कितने ज़्यादा चिल कर रहे हैं, कितने ज़्यादा खड़े हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। देखे बच्चों को अंदर। जी दोस्तों, अभी हम बाकायदा तौर पर अपने ट्रेवलिंग का आगाज़ कर चुके हैं, अभी हमारे गाड़ियाँ जो है वो वादी नलतर की तरफ निकल चुके हैं। इंशाल्लाह रास्ते में अभी आपको बहुत सारे चीज़ें दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो रास्ते में अभी जो जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैरतअंगेज़, खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर है, क्योंकि बलूचिस्तान पूरा ही एडवेंचर से भरपूर इलाका है, लेकिन इनमें से कुछ जगह ऐसे है जो नुमाया है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उनकी खूबसूरती और हुसैन की कोई मिसाल नहीं है। जो अभी रास्ते में मैं आपको पावर हाउसेस दिखाने वाला हूँ, 16 मेगावाट, 18 मेगावाट, 14 मेगावाट, इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स कैसे चलते हैं,
पावर सप्लाई कैसी होती है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके साथ साथ बच्चे जो हल्ला गुल्ला करते हैं वो क्या क्या एक्साइट होकर क्या क्या एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप दोस्त भी ऐसे लम्हात को यादगार बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, तभी इंशाल्लाह अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी दोस्तों, अभी हमने अपने इस सफ़र का बाकायदा आगाज़ किया है। हमारे तमाम गाड़ियाँ इस वक्त रोड पे निकल चुकी है। अभी इंशाल्लाह आपको बैकग्राउंड में वॉइस नज़र आ रहा होगा। देखिए ये देखिए हमारे गाड़ियाँ भी जो है वो बाहर रोड पे चल रहे हैं, लड़के बाहर भी नहीं कर रहे हैं, उनको मना कर रहे कि बाहर ना निकल, कोई हादसा ना हो जाए। अभी बाकायदा हम अपने इलाके फैज़ाबाद से निकल चुके हैं। ये हिंदुस्तान का एक खूबसूरत गांव है, देहात है, जिसके करीब वहाँ से वादी नाते की तरफ निकल चुके हैं। वादी नाते ऐसे खूबसूरत इलाका है जहाँ पर लोकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी हमारे सामने कुछ बच्चे आगे जा चुके हैं, गाड़ियाँ जा चुकी हैं। आज हमारे स्कूल के साथ साथ बहुत सारे और भी निकल चुके हैं। चलिए अभी आगे आप जाके बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे गाड़ियाँ बड़े तेज़ के साथ आगे चल रही है। तो अभी इंशाल्लाह जैसे ही हम पहुँचेंगे आप अहवाल दिखाते रहेंगे। ये तकरीबन अभी नॉर्मल के करीब हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे ये खूबसूरत इलाका है। ये देखिए कितना खूबसूरत और बेहतरीन व्यू है। आप ऊपर पहाड़, उसके ऊपर फिर बादल, और रोड के साथ साथ मैं आपको भी लोग दिखा रहा हूँ। तो अभी देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर है। ये जो मनाजिर है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है, तो लिहाजा हमें इन चीज़ों को इंजॉय करनी चाहिए। ये देखें बॉक्स है, ये देखें ये हमारे गाड़ियाँ आगे जा चुकी है, कुछ गाड़ियाँ आगे निकल चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर है, ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो चले अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें, ये गाड़ी भी हमारे स्कूल का है। तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ हमारी स्कूल के हैं। एक और स्कूल है, उसमें बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। तो पिकनिक का सीज़न है, तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के लोग इस वक्त मतलब तरफ जा रहे हैं। देखिए एक हमारे घर तकरीबन करीब आ चुकी है। ये देखिए एक सी और स्कूल का गाड़ी है, ये बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं। ये देखिए जी दोस्तों, हम तकरीबन करीब आ चुके हैं। हमने अपने इस सफ़र का एक हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं, यानी हम तकरीबन अपने गांव से निकल चुके हैं। अभी हम वादी नौ में दाखिल हो चुके हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कदीम आबादी है, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन हमें यहाँ ठहरना नहीं है। अभी हमने यहाँ से आगे बढ़ना है। अभी हम यहाँ से पहाड़ के ऊपर ट्रैवलिंग करेंगे। चूँकि एक मैदानी इलाका है, हम यहाँ से ऊपर अभी पहाड़ी रास्ते को पकड़ेंगे। वो भी पक गई है, वो भी एक्सप्रेस वे है। एक जगह तक हमने गाड़ी में ट्रेवल करना है, फिर वहाँ से आगे हमने जो है वो आगे ट्रेकिंग करना है, माउंटेनियरिंग करना है। तो हम तकरीबन आ चुके हैं। हमने तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। इंशाल्लाह इसके बाद अभी हम पहाड़ी रास्ते को पकड़ने वाले हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, ये जो इलाका है ये वादी नॉर्मल है। ये बहुत ज़्यादा कदीम आबादी है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इस सिटी के हवाले से आपको नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इस हवाले से आपको बताएंगे। ये जो आबादी है ये बहुत ज़्यादा कदीम है, इसकी हिस्ट्री तकरीबन 300-400 साल तक चली जाती है। लेकिन जो अभी ऊपर जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है वो देखो, वो जो सामने पहाड़ है, वो जो पहाड़ आपको नज़र आ रही है, हमने वहाँ से बिल्कुल टर्न होना है, तो लिहाजा आपको वो भी दिखाएंगे। तो चले अभी आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, ये वादी नॉर्मल है। यहाँ पर थोड़ा सा बाज़ार भी है। यहाँ की चेरी बहुत ज़्यादा मशहूर है, यहाँ का चेरी बहुत ज़्यादा मीठी होती है। पूरे पाकिस्तान में यहाँ के चेरी को पसंद किया जाता है। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लोगों ने गंदम की काश्त की है। अभी ये जो है आलू का सीज़न है, अब यहाँ पे जो लोग जो है वो अपने आलू को फरोख्त करके अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। वहाँ पे देखो, वहाँ पे गूंद की कटाई हो रही है। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी मार्केट खुल चुकी है। तो ये इलाका भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है।
ये जो इलाका है इसको बहुत पहले डेवलप होना था, लेकिन यहाँ के लोगों की शौना सही या जो है वो यहाँ पर गुजारे नहीं थे, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तकरीबन आ चुके हैं नॉर्मल बाज़ार में। अब इंशाल्लाह हम यहाँ से ऊपर की तरफ पहाड़ की तरफ मुड़ेंगे। अगर आप भी यहाँ पर आए तो जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको इस तरह के कुछ मनाजिर यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। ये नॉर्मल बाज़ार है, मैं अभी आपको ऊपर उठ के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये नॉर्मल का मेन चौक है, ये जो है वो आलमदार रोड है। अभी हमने यहाँ से सीधे ऊपर जाना है, वहाँ से जाकर ऊपर टर्न होना है। अभी आप यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो ये जो एरिया है ये तकरीबन आपको हंजले की चलती हैं, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ से आप सीधा आप जाएंगे तो ऊपर नदर की तरफ जाएंगे। ये जो एरिया है ये नॉर्मल का पुराना शबरन है। ये जो एरिया है यहाँ पर लोग पोलो ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन आजकल पोलो का इतनी ज़्यादा रश नहीं है। ये जो एरिया है ये शबरन का एरिया है। ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा कदीम है। यहाँ पर जो यहाँ के लोकल राजे थे 1947 से पहले की बात है, यहाँ पर पोलो खेलते थे। लेकिन अब एक ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, तो अभी इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं है। अभी हम यहाँ टर्न हो रहे हैं पेट्रोल पम्प की तरफ, यहाँ से हम फ्यूल भरेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ से हमने आबादी को छोड़ के हम पहाड़ की तरफ ट्रेवल करना शुरू किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें ये एरिया ये है। आपको यहाँ पर बहुत बड़ी नदी भी नज़र आ रहा होगा, आपको पहाड़ें नज़र आ रही होगी। ऊपर देखें, ऊपर बड़े बड़े बिजली के लाइन भी बिछाई गई है। ये देखिए 18 मेगावाट 14 मेगावाट है, यहाँ से पावर सप्लाई होता है पूरा दिल्ली सिटी के लिए। ये वो एरिया है जहाँ से हमने मैदानी इलाके को छोड़कर यहाँ से अभी हम पहाड़ पर ट्रेवल कर रहे हैं। ये जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, हमने इसके पीछे जाना है, चूँकि अभी यहाँ से आगे जाएंगे इस रास्ते को तय करते हुए तकरीबन हम अभी 40 मिनट बाद हम ऊपर पहुँचेंगे 0 पॉइंट, वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स भी मौजूद है। अब यहाँ पर शोर कुछ ज़्यादा है। ये देखिए, ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है ये भी एक पावर हाउस की है। ये अभी हो रहा है, इसका काम अभी हो रहा है। ये जो हमारे सामने गाड़ी है देखिए, इससे डस्ट बहुत आ रहा है, यह बहुत डिस्टर्ब कर रही है। मैं दोबारा मिलता हूँ आपसे। आपको एक स्टेशन नज़र आ रहा है, ये 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का पावर स्टेशन है। 16 मेगावाट 14 मेगावाट और 18 मेगावाट जो पावर हाउसेस है उनका ये ग्रिड है। पूरा कंट्रोल यहाँ से होता है, यहाँ से पूरा गिलगित सिटी के लिए कंट्रोल किया जाता है। ये पावर ग्रिड है, यहाँ से पूरे गिलगित सिटी को पावर सप्लाई मिलता है। यहाँ पे देखो ख़तरनाक पहाड़ मौजूद है, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो सलाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, बार बार ख़राब नहीं होता है। कभी कभार कोई बारिश हो जाए या कोई ऐसे ख़तरनाक हवा चले तो कुछ ख़राबी पैदा होता है, लेकिन इसके अलावा इतनी ज़्यादा। जी दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर एस मोड़ है, मैं भी आपको दिखाने कोशिश करता हूँ। ये देखो, जब आप ड्रोन कैमरे के ज़रिए से देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इस एरिया को एस मोड़ कहा जाता है, देखिए मुकम्मल एस शेप में है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी होती है, एक एडवेंचर सा समा बन जाता है। जब आप इस एरिया को ड्रोन कैमरे के ज़रिए देखते हैं तो वादा तो पर नज़र आता है, लेकिन गाड़ी पे चढ़ते हुए नज़र नहीं आता है। लेकिन फिर देखें कितने ज़्यादा खूबसूरत एडवेंचर से भरपूर पहाड़ें मौजूद है। ये जो एरिया है ये भी नलतर का ही एरिया है। अभी हमने नॉर्मल को ख़त्म किया है, अभी हम नलतर के जो है वो हदूद में दाखिल हो चुके हैं। अभी ये एक्सप्रेस हाईवे है, ये तकरीबन ऊपर 0 पॉइंट नलतर तक, यानी ऊपर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर है वहाँ तक तो हम इस गाड़ी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन वहाँ से आगे हम ट्रेकिंग करेंगे। ये जो है ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर नहीं है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे जो आगे आपको हम दिखाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर होंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, चले मज़ीद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। ये देखो दोस्तों, ये 18 मेगावाट पावर हाउस के आउटर है, यहाँ से पानी आउट होता है और यहाँ जो पानी आउट होता है उसी के ज़रिए से वहाँ नीचे 14 मेगावाट बनेंगे। मैं अभी आपको दिखाएंगे, ये देखें
ये जो एरिया है ये 18 मेगावाट का बहुत बड़ा डैम है। यहाँ पर पानी स्टोर होता है, फिर यहाँ से आगे पानी को जो है वो मुख्तलिफ पाइपों के जरिए गुजारा जाता है। चले अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, ये भी एक खूबसूरत इलाका है। ये सब आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर नज़र आते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कदीम आबादी है और यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल चीज़ें भी देखने को मिलेंगे, एडवेंचर भी मिलेगा और नेचुरल ब्यूटी भी मिलेगा। अगर आप भी इन तीनों चीज़ों पर जगह में देखना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ ये जो मौसम है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें आप आ सकते हैं। यहाँ पर लोगों को चेक किया जाता है, यहाँ पर चेक होने के बाद यहाँ से अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान सिक्योरिटी चेकिंग करती है, फिर यहाँ से आगे चेक होने के बाद यहाँ पर रजिस्टर होना पड़ता है और उसके बाद आगे जाना होता है। बहुत खूबसूरत नदी बह रहा है। यहाँ पर कुछ दोस्त भी नीचे उतर आए हैं, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नदी बहता है। देखें, मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको फील होता है कि आप वाकई में खूबसूरत इलाके में आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और इसके बाद अभी हम आगे जाएंगे। आप यहाँ पर ठहर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा ठहर के फ्रेश होकर भी जा सकते हैं। हम यहाँ पर नहीं ठहरेंगे, हमने रजिस्ट्रेशन करवाई ही, इसके बाद अभी हम आगे जाएंगे। जी दोस्तों, अभी यहाँ से आगे कच्चा सड़क शुरू हुआ है। वहाँ नीचे तक तो आपको मैंने दिखाया पक्का रोड था, लेकिन इससे ऊपर रोड सड़क कच्ची है जिसकी वजह से गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। यहाँ से आगे जो हमारा सफ़र होगा वो बहुत कुछ स्लो होगा। अभी यहाँ से हमें आगे तकरीबन 30 मिनट ट्रेवल करना है गाड़ी पे, और उसके बाद उससे आगे हमने पैदल ट्रैकिंग करना। ये देखिए कितना खूबसूरत आबिशार है, ऊपर से देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत आबिशार बह रहा है। ऐसे मनाजिर जब एक बार जहन में चले गए उसके बाद फिर ज़िंदगी के मुस्तकिल हिस्से बन जाते, फिर ये कभी जुदा नहीं होते हमसे। ये बार बार जहन में आते जाते हैं और हमारे जो है वो खामोश तबीयत को खुशगवार कर दे जाते हैं। तो लिहाजा इस मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, शिद्दत से सूरज आग बरसा रही है। इस मौके पर अगर आप गिलगित बल्तिस्तान का रुख करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर है। तो चले अभी आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद बहुत सारे चीज़ें दिखाते हैं। तो जब आप इस जगह पर पहुँचते हैं तो एक हवा का झोंका सिद्ध आके रुखसार को चूम के निकल जाती है। इस बात से हमें एहसास होता है कि वाकई हम एक एडवेंचर से भरपूर प्लेस में आ चुके हैं। तकरीबन हम वादी नलतर के स्टार्टिंग जो एरिया है उसमें पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से ऊपर लोगों के घर शुरू हुए हैं। ये देखिए इस जगह को देखिए, कितनी खूबसूरत एक पत्थर को, बड़ी सी पत्थर को तराश कर बनाया गया। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखो कितना खूबसूरत मंजर है चारों तरफ से। वाह जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्या कहना है इस चीज़ का। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन मनाजिर है। यहाँ पर भी एक चौकी है, ये महकमा जंगलात का है, इससे हमें कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ लकड़ वगैरह को चेक करते हैं, लिहाजा हम यहाँ से आराम से गुजर सकते हैं। लिहाजा हम यहाँ से गुजरेंगे, हमें कोई इशू यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर देखो पुराना ब्रिज है, यहाँ पर लोग पैदल ट्रैवल करते हैं, शायद यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही होगी। ये बहुत सख्त पुल है, लिहाजा हम तकरीबन जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं खूबसूरती और हुसन हमारे तब आती जाती है। तो चले मज़ीद आगे बढ़ कर आपको मज़ीद बताएँगे। ये देखो दोस्तों, ये वादी नलतर का पहला मोहल्ला है, कुछ घराने हैं यहाँ पे। अभी स्टे कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का मौसम और आब हवा कुछ ठंडा है, जो शहर में वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ लोग यहाँ पे चिड़कर, कुछ लड़की में दिखाता हूँ, ये देखो
ये देखो कितने जल्द चल कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखो दोस्तों ये कितना ख़तरनाक और खूबसूरत ब्रिज है। यहाँ से छोटी गाड़ियाँ भी गुजरती है और लोग ट्रेवल भी करते हैं। ये जो आपको सामने एक जगह नज़र आ रहा है वह भी वादी नलतर का दूसरा मोहल्ला है। हमने भी यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से भी आगे चलना है, क्योंकि जो नदी जहाँ से बह रही है आप समझो कि हमने वहाँ पे पहुँचना है। आगे जुलाई और अगस्त के मौसम में ऊपर से तुगयानी भी बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। ये जो सड़क है इसकी कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा सड़क ख़राब है, इसका कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है, लेकिन फिर भी हम स्लो में आगे चलेंगे। ये देखिए दोस्तों ये जो रोड है इसकी कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है, तकरीबन यहाँ पर 14 से 15 फुट ये वाल बनाया गया है, इस वाल को फिल करेंगे, फिल करने के बाद यहाँ पर सड़क बनाएंगे, इसको पक्का करेंगे, लेकिन अभी चूंकि सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, गाड़ी आराम से गुजर सकती है, सिर्फ आपको स्लो चलना होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक सियाहती मुकाम है, यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। चंद सालों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस इलाके को डेवलप करने के हवाले से बहुत सारे इकदाम किए हैं, उनमें से एक यहाँ के रोड कंस्ट्रक्शन भी है, तो इस वजह से अभी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू है, लेकिन फिर भी आप गुजर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सड़क पक्का होता तो हमारे 20 मिनट लगते, लेकिन अभी उस जगह में 50 से 40 मिनट में हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, लेकिन इसके जो इर्द गिर्द के मनाजिर है ये बहुत ज़्यादा एडवेंचर से भरपूर मनाजिर है, तो लिहाजा इनको देखते हुए महसूस होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम तकरीबन करीब आ चुके हैं, मज़ीद 10 मिनट ट्रेवल के बाद हम पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस के पास पहुँचेंगे, वहाँ पर अपने गाड़ियों को हम खड़ा करेंगे और फिर वहाँ से आगे हम ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क में थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा ख़राब है, जिसकी वजह से ट्रेवल करने में थोड़ा सा मसला है, लेकिन जी दोस्तों यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों को ट्रेवल करने में इशू आ रहा है, मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आगे ये भी आ रही है और हमारी गाड़ी अभी आ चुकी है, देखें ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोड अभी बन रहा है, जिसकी वजह से मशीनरी ज़्यादा है, रोड ख़राब है, इस वजह से जो हमारी गाड़ी इसको ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह निकल चुके हैं उस एरिए से। जी दोस्तों यहाँ पर रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, जिसकी वजह से हमने अपने गाड़ी को रोका है, क्योंकि ये जो एरिया है आप यहाँ पर नज़र आ रहा है उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, पीछे भी आ रही है, देखें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मशीनरी भी बहुत ज़्यादा है, नीचे रोड भी ख़राब है और साथ साथ रश भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आगे बढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है। ये जो रोड कंस्ट्रक्शन है एक बहुत कम ही जगह में है, यहाँ पर एक पुल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, देखें ये जो मुश्किलात है ये इतनी ज़्यादा नहीं है, ये आप उन्हें रोकेंगे, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप 5 या 6 मिनट लेट हो सकते हैं, देखें यहाँ पर बड़े बड़े मशीनरियाँ हैं, हमने आगे बढ़ना है, देखें ये देखें यहाँ पर NSE वालों के यहाँ पर बड़े बड़े मशीनरियाँ हैं, और ये देखें सर ये 18 मेगावाट का डैम है, यहाँ से 3 बिजली घरों के लिए पानी चला जाता है, देखें अंदर बाकी बुलबुले भर रहे हैं। तो ये देखिए एक खूबसूरत किस्म का पुल आ गया है, एक ब्रिज आ गया है, ये जो ब्रिज है ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, अब इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी आराम से गुजर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, ऊपर से नदी बह रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और यहाँ पर देखें पानी रोड में लग गया है, रोड ख़राब है, लेकिन फिर भी गाड़ी चलेगी इंशाल्लाह। पीछे देखें इस कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा आप कोई इशू हो सकता है, बाकी आप आराम से अपने वेकेशंस को खूबसूरत बना सकते हैं, आप आराम से आइए, देखें दोस्तों बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर है, एडवेंचर ही एडवेंचर। अभी हम एडवेंचर एरिया में हैं,
इसके बाद हम नेचुरल फॉरेस्ट में जाएंगे और उसके बाद नेचर ब्यूटी में जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एडवेंचर ही एडवेंचर मिलेगा। जब आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत और चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चले अभी तक इतनी ठीक, इसके बाद अभी जब आगे जाएंगे तो हम जाएंगे। ये देखें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, NLC वाले यहाँ पर लगे हुए हैं और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कमिंग 2 से 3 ईयर्स में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा और आप जब चाहे तब आराम से आ सकते हैं और यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो अभी ये देखें यहाँ पर ये जो दीवारें थी ये पहले इन्होंने बनाई थी गुज़िश्ता साल, यहाँ ऊपर तोगयानी की वजह से ये दरिया बुर्द हो गई। अब उसके बाद ये कंपनी दोबारा यहाँ पे दीवारें बना रही है। ये जो एरिया है ये बहुत ख़तरनाक है, जब ऊपर से तोगयानी आती है तो ये बहुत सारी चीज़ें तबाह करके अपने साथ बहा ले जाती है। तो लिहाजा ये बहुत है ख़तरनाक एरिया है, लेकिन जो कंपनी उसने भी यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब यहाँ तोगयानी आती है तो ये ख़राब होते हैं। लेकिन फिर भी अभी पहले की नस्बत बहुत अच्छा है। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हम तकरीबन करीब आ चुके हैं। यहाँ पर रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब था जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ी ने स्लिप किया, गाड़ी को रोका, हमने बच्चों को नीचे उतारा, अब उसके बाद हम आराम से आगे निकल गए थे। ये देखिए जो गाड़ी आ रहा है, देखें ये भी आराम से निकलेगा, हमारे घर यहाँ पे फंस चुका था लेकिन ये गाड़ी निकल गई। ये देखें तो ज़्यादा इशू होते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कुछ हमारे गाड़ियाँ हैं, कुछ और लोगों की गाड़ियाँ भी हैं। पर देखो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, नीचे काम कर रहे हैं तो पता गिरा रहा है। दस देखे यहाँ पर दोस्तों, दस भी बहुत ज़्यादा है, काम भी हो रहा है। तो देखें ये थोड़ा सा यहाँ इशू है, लेकिन जब आगे जाएंगे तो हम ये सारे इशूज़ ख़त्म होंगे। ये देखिए दोस्तों, जब आप भी आएंगे तो आप के साथ ये हो सकता है, लेकिन इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ें ये इस सफ़र का हिस्सा है, जब तक सफ़र में ऐसे लम्हात आप फेस नहीं करेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, चले दोस्तों। जी दोस्तों, तकरीबन हम वादी नलतर में दाखिल हो चुके हैं। अभी हम ख़तरनाक रास्ता तय कर रहे हैं। यहाँ पर जो रोड है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से मशीनरी भी ज़्यादा है, उसके साथ साथ रोड भी ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इन मुश्किल से हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर आप दोस्त यहाँ पर आए तो आपको भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये जो मुश्किल है ये इस सफ़र का हिस्सा है। जब तक इस सफ़र में आप इस तरह की मुश्किल फेस नहीं करेंगे तब तक इस सफ़र का लुत्फ़ आप उठा नहीं सकते हैं। हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं, 5 या 10 मिनट बाद इंशाल्लाह हम ज़ीरो पॉइंट तक पहुँचेंगे। उसके आगे जो अहवाल है वह भी आपको दिखाते हैं। अभी तक ये तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आबिशार है, बहुत खूबसूरत नदी है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं। यू अंकल यू, आप देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत मनाजिर आप कैमरे के ज़रिए देख रहे हैं। ऐसे जो लम्हात होते हैं वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, तो लिहाजा हमें इनको इंजॉय करना चाहिए। जो हमारे आगे गाड़ी चल रही है एक सीओ स्कूल के हैं, ये भी जो आपने पिकनिक को इंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट नगर दन्योर के कोई स्कूल के बच्चे हैं। ये जो सीज़न है 10 जून के बाद तकरीबन तमाम स्कूल के बच्चे बच्चियाँ, कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ, वादी नलतर, अस्तोर, स्कर्दो और दीगर जो करीब सयाहती मुकाम है वहाँ के रुख करते हैं और उसके अपने छुट्टियों को अपने दिनों को इंजॉय करने की कोशिश करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। ये देखिए ऊपर कितने खूबसूरत आपको बर्फ़ और ग्लेशियर नज़र आ रहा है। ये देखिए जो अभी आपको नज़र आ रहा है मेरे इस हाथ के बिल्कुल बराबर में, ये देखें मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, और आप इन मनाज़िर को भी इंजॉय करते चले, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। तो लिहाजा अभी चलते हैं आगे। कितनी ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ग्रीनरी, फिर दरख्ते, दरख्तों के नीचे यहाँ पे देखो खूबसूरत आबिशार, बहुत ज़्यादा लुत्फ़ एडवेंचर और ख़ूबसूरती के मनाजिर पेश कर रहे हैं।
जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप ख़ुद महसूस होंगे, आप ख़ुद महसूस करेंगे, क्योंकि कैमरे के थ्रू अल्फाज के शक्ल में मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा। जब आप प्रैक्टिकल यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे रोड फिर ख़राब है, यहाँ पर भी रोड ज़्यादा ख़राब है। अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर ट्रैवल करना इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। यहाँ पर तमाम गाड़ी आके फंस जाती है, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ नीचे पत्थर है, फिर इसके ऊपर पानी गुजर गया है, जिस वजह से ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है, जिसकी वजह से आगे वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने बहुत सारे लड़कों को नीचे उतारा है, कुछ को और नीचे उतारेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम गाड़ी को खाली करके यहाँ से अभी आगे ले जाएंगे। तो हमने अपने गाड़ियों को यहाँ पर रोका है और इंशाल्लाह इसके बाद अभी हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बड़ी गाड़ियाँ रुक गई है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो चुका है, लेकिन अभी इसकी परवाह किए बगैर अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश, आज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम बच्चों को हमने नीचे उतारा है। पहला ये एक्सीटर साइट होगा और उसके बाद जो बड़े गाड़ियाँ हैं पहले इनको यहाँ से गुजारते हैं। ये देखिए, इनको गुजारने के बाद हम इंशाल्लाह इसके बाद फिर जो हमारी छोटी गाड़ियाँ हैं उनको गुजारने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ का जो एक्सीटर था वो साइट हो चुका है और अभी जो हमारे बड़ी गाड़ियाँ हैं वो निकल चुकी है। अब इसके बाद छोटी गाड़ियाँ यहाँ से हम उनको निकालेंगे और उसके बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 28 सेंटीग्रेड गर्मी है और उसके साथ साथ रोड भी ख़राब है, लेकिन ये भी एडवेंचर का हिस्सा है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी तकरीबन पहुंच चुके हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मज़ीद अहवाल से आगाह करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये जो एक नज़ारा आपको, ये कुदरती जंगल है, नेचुरल फॉरेस्ट है, ये इंसानों ने लगा, बल्कि कुदरती जंगल है। और जंगल के बीच में से बराबर से एक खूबसूरत नदी बह रही है, देखें, और ऊपर देखें, ऊपर पहाड़, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़, फिर बर्फ़ को ऊपर से बादलों ने घेरा हुआ है, जिसके खूबसूरत और हसीन मनाजर है। बिल्कुल इसी के ऊपर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, आपको VIP माहौल मिलेगा। आप भी अगर आप लोग यहाँ पर आए तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ VIP रेस्टोरेंट्स हैं, आपको एक बहुत सारे अच्छे स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक पैकेज दोनों मिलेंगे, आप आराम से बैठ के यहाँ चिल कर सकते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे गाड़ी आ गए हैं, तकरीबन देखें वो निकल गई है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। जी दोस्तों, हम तकरीबन 0 पॉइंट तक आ चुके हैं, ये नलतर वैली 0 पॉइंट है, कितना खूबसूरत मनाजिर है। यहाँ पर हम अपने गाड़ी को रोकेंगे, यहाँ पर गाड़ी को रोकने के बाद हम यहाँ से आगे पैदल ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है ये इससे आगे ये जो हमारी गाड़ी है IS नहीं चलती है, यहाँ से आगे हमने पैदल ट्रेवल करना। ये जो एरिया है यहाँ पर देखो रेंजर्स भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे दीगर एरिया भी है। अभी हमने अपने गाड़ी को यहाँ स्टे करना है, ये भी हमारी गाड़ी है, देखिए अभी हमने आगे जाना है। ये 0 पॉइंट, यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी है, आप VIP रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। और दोस्तों, हम अपने 0 पॉइंट आ चुके हैं और यहाँ हम अपने गाड़ियों का स्टे कराएंगे, फिर यहाँ से आगे हम बढ़ जाएंगे। अभी गाड़ी से बाहर निकले हैं, ये है 0 पॉइंट, नलता 0 पॉइंट, यहाँ पर हमारे तमाम गाड़ियाँ रुक जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, हम अभी नलता 0 पॉइंट में उतर चुके हैं, मैं यहाँ के मंज़र को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ जितने हमारे साथ गाड़ियाँ आए थे, जितने लोग हमारे साथ आए थे, वो सब यहाँ पर उतर चुके हैं। यहाँ से आगे हम दो तरह से ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास जीप गाड़ियाँ हैं, हम इनमें भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन हम इनमें नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ से आगे ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि हमारी सफ़र का एक हिस्सा ट्रैकिंग भी है, क्योंकि ट्रैकिंग के ज़रिए से आपके अंदर एनर्जी पैदा होता है और इसके साथ साथ आप मुश्किलात के ख़िलाफ़ लड़ भी सकते हैं, ये एक स्कूल एक्टिविटी है। लिहाजा हम यहाँ से घबराए बगैर आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर हम अपने जो है वो इन टूर को इंजॉय करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मनाजिर यहाँ के आपको दिखाने वाला हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ के खूबसूरत पहाड़ है। पहाड़ों के ऊपर देखें आपको ग्रीनरी और वाइटनेस दोनों नज़र आएंगे। ये देखें, ये दोनों आपको नजर आएंगे। ये जंगल है, जंगल के नीचे यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जीप गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे, ये देखिए हमारे बच्चे बच्चियाँ, बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जी सर, आप नलतर 0 पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो एडवेंचर है, यहाँ की जो खूबसूरती है, इसको देखते हुए आपका क्या फीलिंग है सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बहुत प्यारा मौसम है यहाँ पे, हर तरफ ग्रीनरी है, दरख्त है, ग्लेशियर्स हैं, मौसम भी बहुत प्यारा है और ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत प्यारा मौसम है और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के बंदे को एक मेंटली सुकून मिलता है, ठीक है, इनर पीस मिलती है यहाँ पे आके, तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे 0 पॉइंट पे। और यहाँ से फिर अभी यहाँ से आगे इंशाल्लाह ट्रैक करेंगे सतरंगी झील की तरफ। जी बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारा मौसम है। जी दोस्तों, ये मैंने आपको मनाजिर दिखाया, ये नलतर वैली 0 पॉइंट है। यहाँ पर पहले आपको स्टे करना होगा, यहाँ पे कुछ आपने परचेजिंग करना है तो आप वो करेंगे, अगर आपने यहाँ से कुछ लेना है तो वो लेंगे, अगर आप किसी गाड़ी में आए हैं वो ट्रैकिंग माउंटेनिंग है तो फिर आपको यहाँ पे स्टे करना होगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ से पैदल ट्रैकिंग करना होगा या यहाँ से आपको जीप गाड़ी पकड़नी होगी। ये भैया मैं आपको मनाजिर दिखाने वाला हूँ। ये देखें मेरे आका पर आपको कुछ रेस्टोरेंट नज़र आएंगे। ये देखें, ये बड़े VIP रेस्टोरेंट्स हैं, आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, आप स्टे करके भी यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ये देखो, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं और आप यहाँ आराम से जा सकते हैं। तो अभी हमने 0 पॉइंट पे स्टे किया था, अभी इसके बाद अभी हम आगे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, हमारे टीमें तैयार हैं, आपको मेरे बैग पे नज़र आ रहा होगा, देखिए हमारे तमाम टीमें तैयार हैं इंशाल्लाह। इसके बाद अभी हम आगे जा रहे हैं, ट्रैकिंग करेंगे हम तकरीबन 1.5 घंटे ट्रैक करने के बाद हम इंशाल्लाह आगे नलतर, सतरंगी झील, उसके बाद परी झील, बहुत सारे झीलें हैं वो सारा आपको दिखाएंगे, आज के बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाने वाले हैं। तो आप रहिए हमारे साथ, अभी रास्ते में जो भी नई चीज़ मुझे नज़र आएगा आपको दिखाते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो चले शुरू करते हैं अपने जन। ये देखें हमारे तमाम जो टीमें हैं वो अभी यहाँ से रवाना हो चुकी है, अभी हम इनको लेके इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी टीमें आ रही है, ये देखें जो टीमें हैं वो बाकायदा ट्रैकिंग करना शुरू किया है। यहाँ पर रास्ता इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, हम यहाँ से आराम के साथ आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पर जंगल है, जंगल में ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चे हैं, इनके फर्स्ट ट्रैकिंग है, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल पेश आ सकता है, लेकिन फिर भी ये इनके लिए नई चीज़ है और आपको पता है नई चीज़ सीखते हुए इंसान जो है वो तकलीफ़ और मुश्किल फेस नहीं करता है। चले आगे बढ़ते हैं। तो हम ट्रैकिंग करते हुए तकरीबन करीब आ चुके हैं, यहाँ पर रास्ते में एक खूबसूरत किस्म का आबिशार है, ऊपर से आबिशार बह रहा है, लेकिन यहाँ नीचे आके इसने नदी की शक्ल अख्तियार किया है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हुसन से भरपूर मनाजिर है। देखें यहाँ पर बच्चों बच्चियाँ क्रॉस कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इसकी मीठी आवाज़ है, बहुत ही सुरीली आवाज़ है। ये जो इसके ऊपर में बराबर ऊपर जो अकब पर आप नज़र ऊपर देखें, वहाँ पर बर्फ़ है, बर्फ़ से ये वहाँ पर एक आबिशार, एक वाटरफॉल है, फिर वाटरफॉल यहाँ आते हुए इसने यहाँ पर जो है वो नदी का शक्ल अख्तियार किया है। अभी निशानी से आगे बहुत सारे खूबसूरत मंज़र वो भी आपको दिखाएंगे। जी दोस्तों, हम तकरीबन अपने मंजिल के करीब जा रहे हैं, हमारी जो असल मंजिल है वो सतरंगी झील, परी झील
और बहुत सारे झील है, वो झीले हैं। लेकिन रास्ते में चलते हुए मुझे कुछ खूबसूरत मनाजिर नज़र आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी आपको साथ साथ दिखाता हूँ। मेरे अकब पर जो आपको नज़र एक नदी, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नदी है। मेरे अकब पर आप ये देखें, ये जो आपको ऊपर से ढलवा नज़र आई है सामने, ये वाला ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़ की से ऊपर से नीचे ऊपर से पानी बहता है, पानी के साथ साथ जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ऊपर से तोगयानी भी आती है, जिसकी वजह से दरिया की कटाव भी ज़्यादा करती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एडवेंचर से भरपूर एरिया है। अभी हम आगे जाते हैं, आपको बहुत कुछ दिखाना है। यहाँ पर डोंकियों के ऊपर ऊपर से लोग अपने सामान लाते हैं, लकड़ लाते हैं। ये यहाँ का एक बेहतरीन सवारी है। जी दोस्तों, हम तकरीबन उस नेचुरल लेक के पास पहुंचने ही वाले हैं। हमने बहुत सारा रास्ता तय किया है, अभी बहुत कम ही रास्ता बच चुका है। जैसे हम वहां पहुंचेंगे आपको दिखाएंगे बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर। एक यहां पर रेस्टोरेंट है, एक टी रेस्टोरेंट है, अगर आप रिफ्रेशमेंट होना चाहें तो आप यहां स्टे कर सकते हैं। जी दोस्तों, हम तकरीबन करीब आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत खूबसूरत और शानदार एडवेंचर से भरपूर एक नदी है। अभी हम नदी के करीब आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ हमारे दोस्त स्टे कर रहे हैं, स्टे किए हुए हैं। यहाँ पे चूँकि खूबसूरत माहौल है, यहाँ पर आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, इसके साथ साथ एडवेंचर क्रीज भी आप यहाँ बड़े आराम से खेल सकते हैं, बहुत खूबसूरत एरिया है। तो अभी हम यहाँ थोड़ा स्टे करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे जाएंगे। जी बिल्कुल, चलिए मैं अभी आपको यहाँ के गाड़ियाँ भी आई हुई है, देखें नदी को क्रॉस करते हुए, देखें बहुत खूबसूरत मनाजिर। ये देखें यहाँ से गाड़ियाँ, और यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त तू ने स्टे किए हुए हैं, देखें अब इंशाल्लाह इसके बाद आगे जाएंगे। ये देखो कितने खूबसूरत एरिया है, बहुत शानदार और मज़ेदार एरिया है, ये देखें। जी दोस्तों, हम अपने जर्नी को कंटिन्यूस कर रहे हैं, अभी तकरीबन हम झील तक तो नहीं आए हैं, लेकिन झील से पहले यहाँ पर एक खूबसूरत स्पेशियस ब्रिज है। ये देखिए मेरा कपड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये ब्रिज है। अभी इस ब्रिज के हवाले से आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस, खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर ब्रिज है। अभी हम इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं, फिर इसके कुछ अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। चले हमें आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये जो ब्रिज है ये इस नदी के ऊपर मौजूद है, एक खूबसूरत नदी इस ब्रिज के नीचे से गुजर रहा है। ये देखें सामने आपको नज़ारा, वो देखें वहाँ से खूबसूरत नदी गुजरता हुआ आ रहा है, आने के बाद फिर यहाँ से इस ब्रिज के थ्रू फिर वहाँ चली जाती है। देखो कितना खूबसूरत मंजर है, यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतरीन किस्म का हवा चल रहा है, तो लिहाजा ये जो ब्रिज है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एडवेंचर से भरपूर है। अगर आप लोग यहाँ पर आए तो आप ज़रूर इस ब्रिज का जो है दीदार कीजिएगा। ये देखें मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखें कितना खूबसूरत ब्रिज है। अभी मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाकर आप कुछ मनाजिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर खूबसूरत किस्म के जंगलात है, जंगलात के नीचे बेहतरीन किस्म का नदी है, इसी नदी के ऊपर खूबसूरत किस्म का यहाँ पर एक ब्रिज है। हमने इस ब्रिज को अभी क्रॉस किया, ये देखिए कितना खूबसूरत ब्रिज है, ये देखिए शानदार ब्रिज माशाल्लाह, एडवेंचर से भरपूर। देखिए ये जो इसके नीचे आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगे, ये इस कस्म के एडवेंचर तरीके से इसको बनाने की कोशिश किया गया है। ये बिल्कुल दरिया के साथ ही साथ बराबर है, लेकिन दरिया इतनी ज़्यादा नहीं आती कि इसको यहाँ से बहा ले जाए, लेकिन फिर भी ये ख़तरे में है। खुदा ना खास्ता अगर इस नदी में बढ़ के पानी आ जाए तो ये बह सकता है, लेकिन अभी तक नहीं बहा है। तकरीबन ये कहीं 50-60 सालों से गालिबा मौजूद है, लेकिन फिर भी अभी सेहत और सलामत मौजूद है। मतलब ये कि इस नदी में पानी ज़्यादा नहीं आता है। चले अभी दोस्तों आगे। जी दोस्तों, हम तकरीबन झील के करीब आ चुके हैं, लेकिन अभी बारिश आना भी शुरू हुआ है। यहाँ पर इस मौसम में बारिश का आना
बहरहाल अच्छी खुशखबरी नहीं है, अगर यहाँ पर बारिश ज़्यादा आए तो इससे बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि इस एरिए में बारिश अगर ज़्यादा आए तो मौसम बहुत ज़्यादा हद तक ठंड हो सकता है, हम जो कमाना खाना बनाना चाहते हैं वो भी नहीं होगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा आने से यहाँ पर हम आग अच्छी तरह ट्रेवल भी नहीं कर सकते और साथ साथ चलने में बहुत सारी दुश्मनियाँ आ सकती है। अभी आसमान पे आपको नज़ारा होगा, देखें बादलों ने मुकम्मल तौर पर आसमान को घेर रखा है और उसके साथ साथ बारिश आना भी शुरू हुआ है। हमारे तवक्के में नहीं था कि यहाँ पे बारिश आएगा, क्योंकि सुबह से मौसम बड़ी सुहाना था, सूरज थी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम से बारिश आना शुरू हुआ है। यहाँ पर बारिश का आना बहरहाल नेक शगुन नहीं है। चलिए मज़ीद आगे जाते हैं, क्या हो सकता है। तो सर, हमारे तवक्कात के ख़िलाफ़ बारिश आई, क्या आपका फील है सर? बारिश भी जो है वो इस सफ़र का हिस्सा है और खुदा की जो है वो लुत्फ़ करम और रहमतों में से है। हम यकीनन इस बारिश को इंजॉय करेंगे और हम इसको पॉजिटिव लेंगे और इंशाल्लाह से हमारे पास स्टिल भी है 40 मिनट ट्रैक, हमारे पास 40 मिनट का ट्रैक है, हम इस बारिश को इंजॉय करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं और इस तरह की खूबसूरत और जन्नत नज़ीर और जिसका कोई इंसानी नहीं है, इसी जगह पे हम मौजूद हैं जो गिलगित से महज चंद किलोमीटर दूर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सयाहों से कि आए इस स्पेस को एक्सप्लोर करें और इंशाल्लाह से जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो बड़ा मज़ा आएगा। और स्टिल यहाँ पे आपको आबशार होटल जैसा खूबसूरत जो है वो गेस्ट हाउस और शॉप मौजूद है यहाँ पे। थैंक यू जी दोस्तों, तकरीबन हम अपने उस झील के करीब पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ा मिनट के बाद हम चंद मिनट बाद अपने उस आगे झील पर पहुँचेंगे, लेकिन रास्ते में यहाँ पर आबिशार नाम से एक होटल है, यहाँ पर आपको हल्की फुल्की चीज़ें खाने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई इशू हुआ तो आप यहाँ आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं और अपने जो है पेट पूजा कर सकते हैं। अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होने वाला है, क्योंकि अभी हवा भी चल रही है, साथ साथ बारिश की कुछ बूंदें भी आ रही है, मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हुआ है। आपको मेरे बैग पे नज़र आ रहा होगा, देखें दरख्त भी हिल रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन बहुत मज़ेदार शानदार चल रही है। चले मज़ीद अभी आगे जाते हैं जी दोस्तों, अभी हम तकरीबन करीब आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ मेरे पीछे देखे बहुत खूबसूरत किस्म का आबिशार नहर बह रहा है, जिसके चारों तरफ ग्रीनरी है, पहाड़ है, दरख्त मौजूद है और दरमियान से एक बहुत खूबसूरत किस्म का आबिशार गुजर रहा है। जब आप नल तर ट्रैकिंग करेंगे, आप झील की तरफ जाएंगे तो उससे पहले ये बहुत सारे चीज़ें आते हैं। अब मैं आप ये देखें, ये जो एक RCC ब्रिज है, ये इसीलिए बनाया है कि इसके ऊपर इसके नीचे से खूबसूरत किस्म का आबिशार गुजर रहा है, एक नदी यहाँ से गुजर रही है। अब ऊपर देख, ऊपर वहाँ एवलांज भी है, दरख्ते भी हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे और एडवेंचर से भरपूर चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे स्टे ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत एडवेंचर से भरपूर और शानदार चीज़ है। अब हमारे दोस्त आगे निकल चुके हैं, अब मैं पीछे रह गया हूँ इस वीडियो के चक्कर में, तो अभी हम भी चलते चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अभी जी दोस्तों। आप सामने आपको नज़ारा होगा, वहाँ देखें वहाँ ऊपर से एक एवलांच है, बिल्कुल सी के ऊपर देखें आपको एक आबिशार नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत आबिशार है, बहुत उसका बहने का अंदाज़, गिरने का अंदाज़ और उसको देखते हुए समा बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो अवलांच है ये ताज़ा आया होगा, क्योंकि एक ज़्यादा गर्मियों में आते हैं, मई के बाद अवलांच आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, ख़तरा नहीं है, वहाँ पर हर साल अवलांच आता रहता है। इसके साथ साथ अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर अवलांच आने का इतनी ज़्यादा ख़तरा नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर बर्फ़ गिर जाता है वो जल्द अज जल्द आस्ता पिघलते हुए नीचे आ जाता है पानी की सूरत में, लेकिन ये जो अवलांच आया है ये ऊपर देखो, ऊपर पहाड़ के ऊपर पत्थर ज़्यादा है, वहाँ से एक साथ गिर गया है, इस वजह से अवलांच की शक्ल अख्तियार करके यहाँ पे आया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एडवेंचर से भरपूर एक समा बना हुआ है। तो देखिए जब ये मनाजिर आप देखते हैं तो आपके क्या फीलिंग है, क्या एहसास पैदा होते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप दोस्त भी यहाँ पर आना चाहेंगे या नहीं,
इस हवाले से भी अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम तकरीबन झील के करीब आ चुके हैं। अभी 4 या 5 किलोमीटर के बाद हम पहुंच जाएंगे। हमने अभी यहाँ कुछ स्टे किया है, यहाँ हमने थोड़ा रिफ़्रेशमेंट किया, अब उसके बाद अभी आगे चलेंगे। लेकिन मेरा कब पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखो चारों तरफ कितने ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर है, कितने ज़्यादा खूबसूरत जंगलात है। देखें ये बहुत खूबसूरत मनाजिर है इस वक्त और बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ यहाँ पर सामने एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक नदी बह रही है, मैं भी आप वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ये जो आपको नदी नज़र आ रही है, ये देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत नदी है, मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दरिया की कटाव की वजह से ये जो दरख्त था ये ऊपर था, ये यहाँ से नीचे गिर गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, जब जितने दरिया ज़्यादा आएगा इसको बहाव के साथ बहाव के साथ ले जाएगा। देखें यहाँ पर ऊपर से जो तेज़ बहाव की वजह से ये भी बह गया है और यहाँ से भी कटाव शुरू हुआ है। अगर इसको ना रोका जाए तो ये अंदर तक आ सकता है, तो लिहाजा इसको जल्द अज जल्द यहाँ पर गेबा लगा के रोकने की ज़रूरत है। इसको ना रोके तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बहुत सारा अच्छी चीज़ें हम गंवा सकते हैं। तो लिहाजा ये देखिए कितनी बड़ी दरख्त को इसने जरून से उखाड़ के फेंका है। ऐसे चीज़ें नहीं करना चाहिए। बहरहाल चूँकि ये पाबंदी है, कोई इसको उठा नहीं सकता, ये सरकार की है, तो जब चाहे दरिया इसको बहा के अपने सब बहाव से ले जा सकता है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए, ख़ासकर टूरिस्ट एरियाज़ में, एरियाज़ में वो भी रास्ते में ऐसी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। तो चलें अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इतने कुदरत के शाहकार और कुदरत के हुसन हमें दिखाई देते हैं। अभी मेरे कप पे आपको नज़र आ रहा होगा एक खूबसूरत नहर ऊपर से बह रहा है, बिल्कुल ऊपर जंगल है, जंगल के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ का एक पौधा है, उस पौधे से बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे बह रहा है। यहाँ पे तकरीबन रास्ता ब्लॉक ही हुआ है, समझो कि रास्ते पर पानी ने कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन वहाँ कुछ नीचे पत्थर है, हम वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। चूँकि जैसे हम आगे झील की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इतनी ही खूबसूरत आबिशार, खूबसूरत नहरें, खूबसूरत जंगलात, कुदरत के शाहकार हमें नज़र आते जाते हैं। जितने आगे बढ़ते हैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर हमें नज़र आते जा रहे हैं। अभी हम इस नदी को क्रॉस करते हैं, चलो अभी आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस नदी ने, इस नहर ने तकरीबन पूरा रोड को ब्लॉक किया हुआ है, देखें। और यहाँ पे देखें कुछ पत्थर हैं, इन पत्थरों के सहारे से हमने इस रोड को क्रॉस करना है। अगर पानी थोड़ा और ज़्यादा आए तो ये पत्थर भी बह सकते हैं, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है जिससे कोई मुश्किल पेश हो जाए। दोस्तों हमने एक और ब्रिज क्रॉस किया है, तकरीबन हमने अभी तक 6 से 7 ब्रिजेस क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरा कप पर आपको नज़र आ रहा होगा, देखें दरिया का खूबसूरत झील बना हुआ, बहुत ही ज़्यादा हसीन, खूबसूरत और कुदरत के शाहकार से भरपूर झील बना हुआ है। इसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत जंगल और ऊपर पहाड़ देखें, इसके साथ साथ इसी पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत किस्म का झील बना हुआ है, गोया ये दरिया रक्स कर रही है, हाँ मैं से नज़र आता है। इसी दरिया के बराबर में यहाँ पर एक किस्म का वो, ये देखिए यहाँ पर एक ब्रिज चार जिसी ब्रिज है, ये हमारा लास्ट ब्रिज है और इसके बाद अभी हम आगे ऊपर झील तक तकरीबन पहुँचने वाले हैं। ये जो झील है असल में ये झील वो नहीं है जिस तक हम आ रहे हैं, ये दरिया ने एक झील बनाई हुई है, लेकिन जो ऊपर है वो झील है वो नेचुरल झील है, वो कुदरत के आबिशार का झील है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके अंदर एडवेंचर है, बहुत सारे चीज़ें हैं, आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। चले अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। देखें यहाँ पर एक डहलवान है, अभी हम इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद फिर ऊपर मैदानी रास्ता है, फिर ऊपर डहलवान है, उसके बाद फिर ऊपर इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे झील। तो हम तकरीबन झील के करीब आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक फेरी मिडोन है, देखो कितना खूबसूरत है, ऊपर पहाड़ फिर पहाड़ के नीचे यहाँ खूबसूरत, देखो कितना खूबसूरत एरिया है, जंगल है। यहाँ पर जब आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बंदे के अंदर एहसास जज्बात बहुत ही ज़्यादा उभर कर निकलते हैं। हम मादियत परस्ती से दूर होते हैं और कुदरत के करीब होते हैं, जितने ज़्यादा हम कुदरत के करीब होते हैं इतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर एहसास जज्बात पैदा होते हैं और दुनिया के जो मसाइल तकलीफ़ात हैं उनसे बंदा
چند لمحوں کے لیے دور ہوتا ہے اور ایک نئی پہچان، ایک نئی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ یہاں پہ آئے تو آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ نے تمام خیالات کو بلانا ہے، فقط نیچر کو انجوائے کرنا ہے۔ تو دیکھو کتنی زیادہ نیچرل بیوٹی ہے یہاں پر، آسمان بھی بہت ہی قریب نظر آتا ہے، بادلیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پہاڑ بھی ساتھ ہی ہیں۔ تو وہ ایک ساتھ بہت سارے چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت ایک سمجھو کہ ایک آپ کے اندر ایک نئی سما پیدا ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جی دوستو، ہم اس علاقے تک آئے ہوئے ہیں، ہم جھیل تک پہنچنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں بہت ہی خوبصورت قسم کا نیچرل اسٹیڈیم ہے۔ ہم اس اسٹیڈیم میں بالکل آ چکے ہیں۔ دیکھیں میرے چاروں طرف عقب پر آپ کو درخت ہی درخت نظر آئیں گے اور درمیان میں یہاں پر بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک میدان سی بنی ہوئی ہے اور یہ میدان کے اندر گرینری بھی ہے، یہ نیچرل گرینری ہے۔ جب آپ اس جگہ میں آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، چاروں طرف پہاڑ، درخت، قدرتی حسن، بادل، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایسے چیزیں ہوں نا، جب ان پہاڑوں کے درمیان ایسے درخت ہو اور ان درختوں کے ساتھ ساتھ اور ساتھ میں یہ جو پرندے ہیں، پرندے بھی چہچہاتے ہیں، جب یہ بھی چہچہاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ پرلطف اور حیرت انگیز مناظر بنتے ہیں۔ اگر آپ بھی گلگت بلتستان کا ٹور کرنا چاہتے ہیں تو ٹرپ گلگت بلتستان کا پلان ہے تو آپ وادی نتر کا چکر ضرور لگا لیجیے گا، یہ بہت ہی زیادہ حسین اور قدرت کا شاہکار ہے، ایسے لمحات آپ کو بہت زیادہ کم دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ابھی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت علاقہ ہے، یہ دیکھیں جی دوستو، ابھی تک میں نے آپ کو بہت سارے مناظر دکھائے، میں نے آپ کو ایڈونچر سے بھرپور بہت سارے چیزیں بھی دکھائے۔ ابھی آپ میرا کپ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بہت ہی زیادہ برف سے لدے پہاڑ ہے، درخت ہے، گرینری ہے، قدرت کا حسن ہے، نیچرل بیوٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے کے بعد ایک عجیب سی فیلنگ از خود پیدا ہوتی ہے، چونکہ یہاں پر صرف قدرتی حسن ہی حسن ہے، یہاں پر آپ کو انسانوں کے بنائی ہوئی کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گا۔ اگر ابھی تک جو میں نے آپ کو چیزیں دکھائی ہے آپ نے پوری ویلوگ دیکھی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوئے ہوں گے، چونکہ میں نے بہت سارے اچھے چیزیں دکھانے کی کوشش کیا ہے۔ تو ابھی آگے بڑھتے ہیں، بہت سارے اور اچھی چیزیں آپ کو دکھانا باقی ہے۔ جی دوستو، ہم تقریباً قریب آ چکے ہیں، ابھی ہم ایک جھیل پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو جھیل ہے آپ کو بیک پہ نظر آ رہا ہے، اسے شیشے جھیل کہتے ہیں، ہم سے تھوڑا دور ہے، ہم تو وہاں پہ نہیں جائیں گے، لیکن یہ تازہ بنا ہوا ہے۔ یہ جو جس ایریا میں کھڑا ہوں، یہاں پر پہلے بہت زیادہ جنگل تھی، لیکن گزشتہ سال اوپر سے ایولانچ آ کے اس پورے ایریا کو اس نے جو ہے وہ ڈیمیج کیا، متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ایک خوبصورت جھیل بنی ہوئی ہے جسے یہاں کے مقامی لوگوں نے شیشہ جھیل کا نام دیا ہے۔ یہ بھی اپنے اندر ایک جذبیت رکھتی ہے، یہ بھی اپنے اندر ایک قدرت رکھتی ہے، یہ بھی اپنے اندر ایک نیچرل ایڈونچر رکھتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہاں پہ آئے تو آپ اس جگہ کا وزٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ جو جھیل ہے تازہ بنی ہے، اس کے اندر بھی آپ کے لیے بہت سارے چیزیں دیکھنے کے لیے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے ٹریول کیا، میں نے آپ کو بہت علاقے بھی دکھائے، بہت سارے ایڈونچر سے بھرپور جگہ بھی دکھایا، راستہ بھی دکھایا، بہت سارے گرینری بھی دکھایا۔ اس ایپیسوڈ تک یہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ایک خوبصورت جھیل میں دکھاؤں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، میں ملتا ہوں ایک اور خوبصورت ویلوگ لے کر۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویلوگ اچھی لگی ہے تو آپ ہمیں ایک لائک دے سکتے ہیں، اگر آپ اس کو پھیلانا چاہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، مگر کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ اس ویلوگ سے آپ کو کیا ایکسپیرئنس رہی۔ تو چلے نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔